स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम राग बिहाग की बंदिश गाना सीखेंगे। बंदिश क्या है? जो हमारे बोल हैं बंदिश के, उसके ऊपर स्वर लिपि होती है। स्वर लिपि को हम गाना किस तरह से गाते हैं जिससे हमारी बंदिश बहुत अच्छी तरह से गाई जाती है। स्वर लिपि को गाने से हमारे स्वरों की पकड़ बहुत अच्छी होती है, हमारा राग बहुत अच्छी तरह से गाया जाता है। उसमें स्वरों की पकड़ होगी तो हमारा स्वर बहुत अच्छी तरह से गाए जाएंगे। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, गाने से पहले जैसे यहाँ पर पा है, पा के बाद डैश दिया गया है, तो इसका मतलब या तो आप पा को दो बार गा सकते हैं या पा गाने हल्का सा रुक के फिर नीसा इस तरह से गा सकते हैं। जहाँ डैश है तो मतलब ये स्वर दो बार गाते हैं। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्वर लिपि को। नी सा गा मा पा नी सा नी पा पा गा मा गा, नी सा गा मा पा नी सा नी पा पा गा मा गा गा, नी पा 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 गा मा पा गा मा गा ए रे सा। क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, कौन सी भूल बही है मोसे। हमने स्थाई गाई है, अब हम अंतरे की स्वर लिपि गाते हैं। गा मा पा पा नी नी सा 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 रे सा, गा मा पा पा नी नी सा 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 रे सा, पानी सारी सानी दा पा पा गा मा गा रे सा, गा मा पा पा नी सा 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 रे सा, पानी सारी सानी दा पा पा गा मा गा रे सा। विनती करता तोरी पैया परत हूँ, विनती करता तोरी पैया परत हूँ, आए के दर्श दिखा जा रे मोहन। ओके स्टूडेंट, मैंने इन स्वरों को आपको स्वर लिपि को गाने का तरीका बताया है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।